सत श्री अकाल प्यारे विद्यार्थियों, अज दे वीडियो विच तुहानू असीं सत्तवीं क्लास विज्ञान दी साइंस दी प्रैक्टिस शीट नंबर 10 करवावांगे, जो कि सीपी दे अंडर है। ए कंपीटेंसी एमसी 1.3 एस ते आधारित है। सारे प्रश्न इहदे ने, इहदे विच मेजरमेंट दे बारे, फिजिकल प्रॉपर्टी मादा दीआं, वॉल्यूम, वेट, टैंपरेचर, इंडिजनस नॉन स्टैंडर्ड एंड स्टैंडर्ड यूनिट्स के बारे भी गल की गई है। चलो शुरू करते हैं। बाहरले मौसम नूं तापमान रेंज -2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड होने करके मौसम बहुत ठंडा महसूस हो रहा है। तो यह तापमान की रेंज किस तो पता लगेगी? हल्की धुप, खिड़की के धुंधले शीशे, चौड़े तो रंगदार पत्ते, भारी बदल, सलेटी रंग, यह सानू लगेगा जी खिड़की से धुंध का। जो धुंध होएगी सानू पता लगेगा कि काफ़ी ठंड है, धुंध ठंड का संकेत है। तो पहले का दूसरा प्रश्न उत्तर आएगा। दूसरे दे आ जाओ। विद्यार्थी तो गलती ना साइंस लैब थर्मामीटर टुट गया, थर्मामीटर का पारा डिग के सैल्फ से फैल गया, विद्यार्थियों को समझदारी तो काम लेंदे हुए की करना चाहिए है? पानी ना साफ करो, उंज ही छड़ दो, ब्रश ना इकट्ठा करो, इस खतरनाक समझते हुए निपटारे की सही प्रक्रिया का पालना करो। तो चौथा ऑप्शन सही है। इहदा सही प्रोटोकॉल सानू पता होना चाहिए कि मरकरी नलके का डील करना, एवें ही हाथ नहीं पाना चाहिए। तो दूसरे का चौथा मेरे हिसाब नाल सही है। तीसरा, अध्यापक ने विद्यार्थियों वख वख थर्मामीटर दसे, सो इन्हां विचों किस थर्मामीटर के उत्ते किंक हुंदा? किंक बेसिकली जो क्लीनिकल थर्मामीटर ते हुंदा, क्योंकि जो असीं इहनूं बॉडी के जीभ के थल्ले हटा लें तो पारा वापस ना चला जाए, इसलिए किंक लगाई जाती कि उत्थे पारा स्टेबल रहे। तो इसलिए क्लीनिकल थर्मामीटर डॉक्टरी थर्मामीटर आएगा तीसरे का दूसरा। चौथे दे आ जाओ जी। ड्यूरिंग द रिविजन वैन टीचर आस्ट स्टूडेंट दोहराई दे समय क्या कि डॉक्टरी थर्मामीटर तापमान की रेंज के बारे पूछा, तो डॉक्टरी थर्मामीटर की जी रेंज है वो पिछे भी देख लिया, 45 डिग्री तक होंगी है, ठीक है जी। सो ये साडा डॉक्टरी थर्मामीटर इतने लिखा ही है 35 से 42, इतों भी असी जज कर सकते हैं। आ जाओ जी असी पंजवा। कल कोमल नूं अपनी साइंस लैब एक बड़ा थर्मामीटर मिलिया, वो ये जानना चाहती है कि इस लैब थर्मामीटर की तापमान रेंज की होएगी। डॉक्टरी थर्मामीटर वाला चौथा सी, पंजवा जिहड़ा लैब थर्मामीटर है तो पंजवें का आएगा जी। पहला -10 से -110 डिग्री। अगे आ जाओ छेवा। राम कोल अपना बुखार चैक कराने लिए गया डॉक्टर को, डॉक्टर ने उसनों थर्मामीटर जीभ के थल्ले रखण लई कहा। कुछ देर बाद डॉक्टर ने थर्मामीटर चैक किया तो बुखार नहीं सी, तो की रेंज होएगी सही जो टैंपरेचर बॉडी का? साधारण टैंपरेचर साडा पता है 37 डिग्री सी हुंदा, इसलिए छेवें का आएगा दूसरा। सतवां, तापमान बारे पढ़ाते अध्यापक ने विद्यार्थियों को पूछा कि इटले केड़ा तापमान नूं मापण की इकाई है? न्यूटन, सैलसीयस, फारनहीट। सैलसीयस फारनहीट दोनों है, इसलिए सतवें का आएगा चौथा, दूसरा ते तीसरा। अठवां, डॉक्टरी थर्मामीटर के बल्ब विच हेठां विचों कि तात भरी होंगी है? सौखा ही है, ये आएगी जी मरकरी, ठीक है जी। अगे आ जाओ जी नौवां। खुशप्रीत ते मनीषा अपने शरीर का तापमान मापिया, खुशप्रीत ने अपने शरीर का तापमान 98.6 फारनहीट, मनीषा ने 37 डिग्री, तो केड़ा खत्म सही है? दोनों ही टैंपरेचर सेम है पर वो यूनिट का अलग अलग है, इसलिए दोवां दे शरीर का तापमान साधारण है। साढ़े शरीर का साधारण तापमान 37 डिग्री हुंदा ते 98.6 फारनहीट हुंदा। दसवें प्रश्न ते आ जाओ जी। अध्यापक ने तापवे संचार की प्रक्रिया बारे, लोहे की राड उत्ते 4 पिना लगाइया जिसते मोम चिपकाया, जेकर लोहे की राड नूं गर्म किया जाए तो सब तो पहले किहड़ा पिन डिगेगा? पहला, दूजा, तीजा, चौथा। सो नेड़े पहला, इसलिए पहला गिरेगा। दसवें का पहला बड़ा आसान प्रश्न है। ग्यारहवां, सिकंदर ने 65 डिग्री तापमान वाले पानी ना 1 लीटर पानी 80 डिग्री वाले 1 लीटर पानी नूं मिलाता, दोहां दे तापमान मिला के की होएगा जी? तापमान की जिहड़ी रेंज है वह 65 से 80 दे विचकार ही रहेगी, तो ग्यारहवें का चौथा है, क्योंकि मिनीम टैंपरेचर 65 है तो मैक्सीम 80 है। बारहवां, असी सर्दियों में उन्होंने कपड़े निग क्यों महसूस करते हैं? ये रेशियां में फसी हवा कुचालक है,
ताप की सुचालक है, कपड़े पाना फैशन है तो ताप की कुचालक होंगी हवा तो कपड़े फस जाती है, इसलिए हीट अंदर रहती है। 12वीं का पहला तेरहवां प्रश्न ये थर्मामीटर दसाया जी, ए तो बी रेंज है, बी थर्मामीटर मैक्सीम रेंज दसदा तो दिन के समय कदों मैक्सीम टैंपरेचर दसेगा। तुहानू पता है दोपहर सब तो ज़्यादा गर्मी होंगी है, इसलिए यदा ऑप्शन आएगा दूसरा दोपहर। अगे आ जाओ जी, 14वां तरुणा दे माता जी ने उसनू पीने लिए चाह दी, कुछ समय बाद तरुणा देखे कि चाह ठंडी होगी, गर्म चाह के ठंडे होने के ताप संचार की कड़ी किरिया चालन सवहन विकरण, ये सारे ही आएंगे। कंडक्शन होंगे कि हीट जी है होर तो कोल्ड बढ़ी जाती है, ठीक है, कप के आले दुआले गर्मी घट है उदा जाएगी। कन्वैक्शन हवा के मोलीक्यूल्स के भी हीट जाती है, कन्वैक्शन है। रेडिएशन चाह के बच्चों कप च रेडिएशन निकलदियां ने तो ये फैल जांदियां ने, ठीक है ना, इस तरह एनर्जी लॉस होंगी, इसलिए चार ही ऑप्शन सही है। तो 14वें आएगा चौथा। अदा लास्ट प्रश्न, शाम के समय प्रीत दे माता जी ने अगरबत्ती जलाई तो अगरबत्ती की खुशबू सारे कमरे च फैल गई, अगरबत्ती जला देने से अणुआ ते की प्रभाव पै गया जो कमरे च फैल गए, वो एक थां दूजे दे नेड़े आते हैं, वो हिलना बंद कर देंगे, तेज़ गति ना चलते हैं, उन्होंने कोई प्रभाव नहीं पाया, तो तेज़ गति ना चलते इसलिए ज़्यादा फैलते। तो 15वें का आएगा तीसरा। सो विद्यार्थी ये जी 7वीं जमात विज्ञान की प्रैक्टिस शीट नंबर 10, उम्मीद करता तुहानू समझ आ गई होगी। अगले वीडियो तुहानू 8वीं 9वीं ते 10वीं क्लास की प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी। 28 तरीक नू होने वाले CP5 के लिए तुहानू सारे नू बेस्ट ऑफ लक।